नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में KTM RC390 का चेन स्लाइडर जो है वो इधर आप देख सकते हैं, मेरा खराब हो गया है, गिर चुका है, इसलिए मेरा चेन बहुत आवाज कर रहा है, वो इधर इस चेन के नीचे रहता है। तो आपका भी चेन स्लाइडर चेक कीजिए अगर आपकी चेन आवाज कर रही है तो इस वीडियो में उसको कैसे रिप्लेस करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चेन स्लाइडर रिप्लेस करने के लिए आपको रेयर मडगार्ड और चेन केस कवर जो है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको एक एलन की लेके, इस मडगार्ड को चार एलन की के बोल्ट रहते हैं, दो ए साइड और दो दूसरे साइड में। ये चारों बोल्ट आपको एक एलन की लेके निकालने हैं। ये चारों बोल्ट निकालने के बाद आपका मडगार्ड जो है वो ऐसे आराम से बाहर निकलेगा, इसको किधर भी सेफ जगह पे रखे। अब आपको निकालना है आपका चेन का फ्रंट स्प्रॉकेट कवर, और इसको होते हैं एक एलन की का बोल्ट और 3 8 mm के बोल्ट। ये चारों आपको निकालने हैं, और ये चारों निकालने के बाद आपका स्प्रॉकेट कवर जो है वो ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। अब नेक्स्ट आपको आपका जो गियर लीवर जो है वो निकालना है। तो उसके लिए आपको ये एक एलन की का बोल्ट निकालना पड़ेगा। KTM को ये स्टिकी गियर लीवर का प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिएगा। अभी वो निकालने के बाद आपको ये दोनों बोल्ट्स लूज करने हैं, और ये एक नट लूज करना है। ये तीनों को सिर्फ लूज करना है, पूरा बाहर नहीं निकालना है। ये क्यों लूज करने हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी ये तीनों मेरे लूज करके हो गए हैं, और इधर आप देख सकते हैं, इधर इस चेन केस कवर को एक बोल्ट रहता है जिसको एक्सेस करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। ये लेग रेस्ट का गार्ड जो है वो बीच में आता है, इसी वजह से वो लूज करके मैंने थोड़ा ए साइड लाया है ताकि मेरा सॉकेट जो है वो उधर बैठ जाए। अगर आपके पास कुछ एल टाइप का सॉकेट है 8 mm का तो आपको ये शायद लूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एल टाइप का सॉकेट नहीं है, इसी वजह से मैंने उसको लूज करके ए साइड खींचा है। सिर्फ यही बोल्ट निकालने के लिए सबसे मुश्किल मुझे लगा ये काम करते समय, टूल्स के ना होने के वजह से। तो एक बार ये बोल्ट उस होल में से बाहर निकलेगा तो आप एक स्पैनर ऐसे यूज करके इसको बाहर निकाल सकते हैं आराम से। तो ये बोल्ट जो है वो बहुत ही लंबा रहता है, इसी वजह से इसको ये साइड में निकालना ही पड़ेगा। तो ये बोल्ट निकालने के बाद आपको पीछे के स्प्रॉकेट के यहाँ आना है, और इधर एक बोल्ट रहता है एलन के का, वो आपको निकालना है। और बाद में इस चेन के कवर के नीचे जैसे एक बोल्ट रहता है, इधर आप देख सकते हैं 8 mm का, ये भी आपको निकालना है। और वो निकालने के बाद आपको आना है दूसरे साइड में, और दूसरे साइड में आके इधर आप देख सकते हैं, इधर एक बोल्ट है, ये भी आपको निकालना है एलन की लेके। और ये बोल्ट निकालने के बाद आपको आना है इधर नीचे, और इधर आप देख सकते हैं ये वाला बोल्ट जो है वो आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा एक 8 mm का सॉकेट। तो एक 8 mm सॉकेट लीजिए, और ये बोल्ट जो है वो पूरा बाहर निकाले। तो इधर आप देख सकते हैं ये निकल गया मेरा एक बोल्ट। तो अब आपको आना है दूसरे साइड में, और ये साइड भी एक बोल्ट रहता है, ये भी आपको निकालना है। और वो दोनों बोल्ट निकालने के बाद आपको फिर से ये साइड में आना है, और इधर आप देख सकते हैं इधर क्लिप टॉन रहता है ये पूरा कवर, और इसको इधर भी एक एलन की का बोल्ट रहता है, ये आपको निकालना है। और ये सब बोल्ट निकालने के बाद आपका पूरा जो चेन केस का कवर और मडगार्ड सपोर्टर है वो आराम से आपको ऐसे बाहर निकालना है। तो ये निकला मेरा चेन केस कवर बाहर। आप इस वीडियो को चाहे तो हाउ टू रिप्लेस चेन केस कवर भी बोल सकते हो। कितना बड़ा चेन केस कवर है वो आपने देख ही लिया है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे चेन स्लाइडर के पास, और इधर आप देख सकते हैं मेरे चेन स्लाइडर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। पहले मुझे पता नहीं चला क्यों मेरी चेन ऐसी आवाज कर रही है, लेकिन बाद में ठीक से देखने से मुझे मालूम पड़ा कि चेन स्लाइडर के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो इस चेन स्लाइडर को इधर एक बोल्ट रहता है 8 mm का, वो आपको निकालना है। और ये बोल्ट निकालने के बाद इस चेन स्लाइडर को जो अंदर की तरफ रिंग जैसा है वो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो आपको नए चेन स्लाइडर के ऊपर डालना पड़ेगा, उसके साथ वो नहीं आता है, तो उसको ऐसे ही बाहर मत फेंकेगा। अब आपको एक ब्रश जैसा लेके या झाड़ू का टुकड़ा अगर आपके पास है वो लेके इधर थोड़ा ऐसा क्लीन कीजिए, कुछ टुकड़े है तो वो नीचे गिरने चाहिए। तो इधर है मेरा नया चेन स्लाइडर, इसको मुझे पड़े है 241 rupees, और ये ओरिजिनल पार्ट है जिसको मैंने सर्विस सेंटर से लाया है। और इधर आप देख सकते हैं इसके साथ कोई भी मेटल का पीस नहीं आता है, सब वाइसर रिंग्स जो रहते हैं पुराने वाले के ऊपर वो आपको संभाल के रखने हैं, और अगर वो आपके खो चुके हैं तो आपको वो नए वाले सेपरेट खरीदने पड़ेंगे। तो इधर मैं पुराने वाले चेन स्लाइडर के ऊपर से ये बोल्ट स्पेसर जो है वो ऐसे तोड़ के निकालूंगा, इसको कुछ नहीं हुआ है, और उसमें से निकल के मैं ये ऐसे मेरे नए वाले में डाल दूंगा। इधर आप देख सकते हो, तो ऐसे जितने भी पार्ट्स आपके पुराने वाले के ऊपर है वो आपको निकाल के नए वाले के ऊपर डालने हैं। और ये वाइसर भी मैंने पुराने वाले के ऊपर से निकाला है, और ये मैं अभी मेरे नए वाले के ऊपर डाल रहा हूँ। अभी फिर भी हुआ नहीं है, इधर नीचे अगर आप आओगे तो इधर नीचे एक बोल्ट रहता है, इधर आप देख सकते हो जो इधर लगाया हुआ है जो चेन स्लाइडर के ऊपर से आता है। तो ये आपको एक 8 mm सॉकेट लेके बाहर निकालना है। तो ये निकालने के बाद अब आप आपका चेन स्लाइडर जो है वो इन पोजीशन डाल सकते हो। अभी इस चेन स्लाइडर को ठीक से देखिएगा कौन सी उसकी ऊपर की साइड है और कौन सी उसकी नीचे की साइड है वो। तो ऐसे आपको ऐसे नीचे की साइड जो है वो इस कोने में से स्लाइड करनी है अंदर,
इधर आप देख सकते हैं कैसे मेरा स्लाइडर जो है वो अंदर गया है वो। अब इसको ऐसे पुश करके पूरा अंदर डाले, और इसको पूरा अंदर डालने के बाद इधर मैं थोड़ा कैमरा का पोजीशनिंग चेंज करूँगा। और इधर आप देख सकते हैं ये चेन को आपको ऐसे स्लाइडर के ऊपर से रखनी है, और स्लाइडर को ऐसे अच्छी तरह से पोजीशन में डालना है। इधर आप देख सकते हो कैसे ये पोजीशन में आ गया है वो, और चेन अभी स्लाइडर के ऊपर बैलेंस हो गई है, इधर आप देख सकते हो। तो पहले तो मैं नीचे जाऊंगा और जो बोल्ट मैंने नीचे की तरफ से निकला था 8mm का, वो पहले वापस डालूंगा। और इधर आप देख सकते हैं वो बोल्ट मैंने इधर वापस डाल दिया है। अभी आपको ऊपर के साइड में आना है, और एक देखिए स्पेसर के साथ बोल्ट आता है, वो आपको इस चेन स्लाइडर के नीचे से ऐसे ऊपर डालना है, क्योंकि इसके ऊपर आपका चेन केस कवर आएगा, और उस चेन केस कवर के ऊपर से आपको नट लगाना है। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये चेन केस कवर निकालते समय आपको मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि ये मेरा टूटा हुआ था और मुझे ये निकालने को नहीं पड़ा था, तो इसी वजह से मैं ये डालते समय आपको दिखा रहा हूँ। ये बोल्ट को आपको ऐसे नीचे के साइड में ऊपर डालना है, और वो डालने के बाद ये पुराने वाले के ऊपर से मैंने स्पेसर वाइसर निकाला है, वो मैं इधर डालूंगा। और फिर आपको आपका चेन केस कवर जो है वो पोजीशन में डालना है, और ये पोजीशन में डालने के बाद आपको ये साइड में आना है, और आपने जो बोल्ट उल्टा डाला है उसके ऊपर से ये चेन केस प्लेस करनी है। और कोई भी बोल्ट टाइट करने से पहले आपको ये सबसे कठिन बोल्ट जो है वो अंदर वापस डालना है, और ये मैंने इधर वापस अंदर डाल दिया है। लेकिन ये टाइट करने के बाद मैं भूल गया कि इसके नीचे भी एक हॉर्स शू जैसा वाइसर आता है, इधर आप देख सकते हो ये है वो वाइसर। तो ये चेन केस के कवर के अंदर से रहता है ऐसे, तो इसको मैं इधर अंदर से ऐसे ही प्लेस करूँगा। तो इधर मैंने मेरा वाइसर जो है वो प्लेस कर दिया है, और इधर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो दिखेगा प्लेस करने के बाद। और इधर आप देख सकते हैं ये अभी ठीक से पोजीशन में नहीं गया है वाइसर, तो ये ठीक से पोजीशन में जाने के बाद कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इधर आप देख सकते हैं ये अभी वाइसर पोजीशन में आ गया है, अब मैं इस बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर सकता हूँ। तो वो बोल्ट टाइट करने के बाद आपको फिर से ऊपर के साइड में आना है, और जो भी बोल्ट्स आपने निकाले थे वो सब आपको अभी वापस डालने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि चेन स्लाइडर कैसे रिप्लेस करना है वो आपको मालूम पड़ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का दबाए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, और ऐसे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपको मेरे अगले वीडियो में।